सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अंतिम समय में काफी रोमांचक हो गए महिला वर्ल्ड कप के फाइनल मैच भारत के हाथ से निकल गया। अंतिम पांच ओवरों में कुछ ऐसा हुआ जैसे भाग्य ने भारत का साथ छोड़ दिया हो। हाथ में आया मैच एक के बाद एक विकेट के कारण हार गई। अंग्रेजों के लॉर्ड्स खेल मैदान में हुए इस मैच में भारत की तरफ उतरी महिला खिलाड़ियों को मैदान का कोई अनुभव नहीं था, जबकि इंग्लैंड की टीम को वर्ल्ड कप फाइनल का 3 बार का अनुभव है और इस मैदान का भी। इसी का फायदा इंग्लैंड को मिला और अंतिम क्षणों में मैच का फैसला बदल गया। महिला विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड द्वारा जीत के लिए दिए 229 रन के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया की राउत और स्मृति मंधाना की जोड़ी उतरी, लेकिन इस बार ये जोड़ी पहले लीग मैच की तरह बल्लेबाजी नहीं कर सकी। मंधाना खाता खोले बगैर श्रद्धोल की गेंद पर बोल्ड हो गई। उसके बाद पारी संभालने आई कप्तान मिताली राज भी महज 17 रन बनाकर रनआउट हो गई। राउत 86 रन पर श्रद्धोल की गेंद पर LBW हो गई। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आई सुषमा खाता भी नहीं खोल सकी और हारले की गेंद पर बोल्ड हो गई। राउत ने 75 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके करियर का 10वां अर्धशतक है। उसके बाद हरमनप्रीत ने 75 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसके बाद वह ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक सकी। 51 रन पर वह एलेक्स हारले की गेंद पर बाउंड्री पर कैच दे बैठी। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे 11वें महिला विश्व कप के फाइनल में टॉस जीता कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 228 रन बनाए। विश्व चैंपियन बनने के लिए टीम इंडिया को 229 रन बनाने थे पर वह बना नहीं पाई। इसी तरह की बेहतरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।